राजधानी की पल पल खबरों से अवगत कराने वाला एकमात्र चैनल आपका अपना HT न्यूज चैनल। स्वागत करता हूं मैं अमित आपका htnews.co.in में। आज फिर आपको राजधानी की जो दारुलसभा में बैठक हुई है वित्त विहीन शिक्षकों की, उनके अध्यक्ष उमेश द्विवेदी जी ने देखिए हमारे संवाददाता से क्या बात की, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं HT न्यूज़ में। जिस तरह से अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ के दारुलसभा कॉमन हॉल में, जहां पर वित्त विहीन शिक्षकों की बैठक भी चल रही है। वित्त विहीन शिक्षक वही हैं जिन्होंने कई बार बड़े बड़े आंदोलन किए, जिसमें कई महिला शिक्षकों ने अपने बाल तक मुंडवा दिए थे। आइए हम बात करेंगे इनके अध्यक्ष उमेश द्विवेदी जी से और जानेंगे कि आज की बैठक का क्या उद्देश्य है और किन प्रमुख मांगों को लेकर आज की बैठक। याद होगा आपको एक बार मिले मुलायम काशीराम, याद तो मिलेगा, पता है क्या होने जा रहा, लाले पड़ जाएंगे बहन जी। आज माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। अभी पूरे प्रदेश में निंदा यात्रा निकाली गई महासभा के द्वारा। जंतर मंतर पे 7 जनवरी को धरना दिया गया। वहाँ से PMO से आश्वासन मिला था कि हम बहुत जल्दी बुलाएंगे वार्ता के लिए, अभी तक नहीं बुलाया गया है। अगर आज जैसा कि सूचना मिली कि 4-5 फरवरी से बजट सत्र आ रहा है, अगर इस सरकार ने वित्त विहीन शिक्षकों को बजट में शामिल किया, उनके मानदेय को शामिल किया, तब तो हम सरकार के पक्ष में सोच सकते हैं। और अगर इन्होंने हमें मानदेय नहीं दिया, सेवा नियमावली नहीं बनाया, तो सीधे सीधे लोकसभा के चुनाव में पूरी की पूरी महासभा अपने 3.5 लाख साथियों के साथ जबरदस्त एक एक पोलिंग पे विरोध करेगी। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार एक तानाशाही सरकार है, हठी सरकार है, जिद्दी सरकार है। जिस तरह रेणु मिश्रा जी ने सर के बाल अपने घुटवाए, दूसरा कोई संवेदनशील मुख्यमंत्री होता तो बुला करके बात करता। हमारी संस्कृति है कि हमारे यहाँ महिला के सम्मान होता है। इनकी परीक्षाएं होने जा रही हैं 7 फरवरी से, और अगर इन्होंने हमें बजट में इग्नोर किया तो इनकी संपूर्ण परीक्षा का भी बहिष्कार करने की बात हम सोच सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा निर्णय होगा और परीक्षाएं बाधित होंगी, इनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएंगी। शिक्षक तो आंदोलन कर ही रहे हैं ऑलरेडी पूरे प्रदेश में, जब इन्होंने निंदा यात्रा निकाली मुख्यमंत्री की, इससे भी आंदोलन क्या हो सकता है। और आगे आने वाले समय में अगर इन्होंने बजट में नहीं दिया तो तमाम सारा आंदोलन, जेल भरो आंदोलन। 2019 के चुनाव में किस प्रकार से बात देंगे आप? 2019 के चुनाव में ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक हमारा शिक्षक विरोध करेगा। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 0.57% वोट खिसक जाने से सरकारें चली गई, 2.5% वोट हमारे इस शिक्षकों का है। और पूरा शिक्षक समुदाय, चाहे वो तदर शिक्षक हो, व्यवसायिक शिक्षक हो, कंप्यूटर शिक्षक हो, सारा के सारा शिक्षक नाराज है। पुरानी पेंशन से शिक्षक नाराज है। 10 लाख शिक्षक मन बना लिया है कि इनके विरोध में खड़े होंगे। जिस तरह से प्रदेश में शिक्षकों का इग्नोर किया जा रहा है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसका खामियाजा भुगतेगी। रेणु मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा, प्रधानाचार्य अटल बिहारी वाजपेयी इंटर कॉलेज शाहजहांपुर। आज की बैठक में हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि जो फरवरी में आने वाला बजट है, इसमें अगर वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय न रखा गया तो पूरे प्रदेश में जो शिक्षक है अब बूथ बूथ जाएगा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का काम करेगा। यही निष्कर्ष निकला है, या तो हमें मानदेय देंगे
और नहीं तो लोकसभा चुनाव में इनको हम हराने का काम करेंगे। नहीं, उन्होंने समय मांगा है, लेकिन हम लोग इंतजार कब तक करेंगे? कितना समय? अभी तो 7 जनवरी को कहा था, 7 जनवरी में उन्होंने कहा 10-15 दिन के बाद, अब समय पूरा होने वाला है। क्या परिचय? मैं निशी श्रीवास्तव, प्रांतीय महासचिव लखनऊ से। क्या कहेंगे जिस तरह से शिक्षकों को प्रदर्शन, शिक्षक अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार से, केंद्र से विभाग लगा रहे हैं, केंद्र की सरकार अभी तक शिक्षकों की मांगों को नहीं सुन रही, क्या कहेंगे? सरकार से हम लोग बराबर वार्ता में हैं, लेकिन जो हम लोगों की मांगे हैं सरकार अगर नहीं मानती है तो आज जो रणनीति बनी है उसके तहत हम लोग बूथ बूथ जा करके भाजपा को हराने का काम करेंगे। हमारा एक एक वित्तविहीन शिक्षक उनको हराने में लगेगा और ये आने वाला समय भाजपा खत्म कर देगा, देश से भाजपा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम शिक्षकों में इतना आक्रोश आ गया है कि इंतजार करने की भी एक लिमिट है। उन्होंने कहा आप करेंगे, हम लोग तब से इंतजार कर रहे हैं और हमारी ये मुहिम जो चल रही है, आज की जो नीति ली गई है इसमें यही कहा गया है कि अगर उन्होंने हमारा मानदेय इस बजट में नहीं रखा तो आने वाले समय में हम लोग हर परिस्थिति को जूझते हुए जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके लिए बाध्य होंगे और करेंगे उसको। नहीं, आज से पहले इतना संघर्ष हम लोगों को नहीं करना पड़ा। संघर्ष तो करना पड़ा, क्योंकि संघर्ष मेरे ख्याल से हमारा जो संगठन, मैं तो बहुत जल्दी ही जुड़ी हूँ इससे, और जो हमसे पूर्व से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने 20 वर्षों से इसके लिए संघर्ष किया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल त्याग किए थे उन्होंने, हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय रेणु मिश्रा जी हैं, इन्होंने मतलब हम लोगों के लिए इतना वेदनामय वो दृश्य था। नहीं सुनी बिल्कुल, ये गूंगी बहरी सरकार है, ये जो सरकार आई है मुझे तो ये लग रहा है कि शिक्षक विरोधी है और ये वित्त विहीन से लाभ लेना तो जानती है, परीक्षा कराने के लिए सहयोग मांगती है, हमारा फर्नीचर मांगती है, हमारी बिल्डिंग मांगती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि हम वित्त विहीन शिक्षक का परिवार है और उस परिवार को चलाने के लिए जो सरकार से, पूर्व सरकार ने हम लोगों को 1,000 रुपए का मानदेय दिया था, इसने वादा तो किया था कि हमको इससे बेहतर देंगे, लेकिन जैसे ही ये सरकार अपने प्रारूप में आई इसने आते ही सबसे पहले हमारे मानदेय को ही अतिक्रमण करके खत्म किया और इनकी चालबाजी अभी भी खत्म नहीं हुई। ये बार बार हमको अब भी आश्वासन दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं और अपने प्रलोभन के चलते ही हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन हमारा शिक्षक गुमराह नहीं है, शिक्षक बिल्कुल गुमराह नहीं है और उनको हराने का काम करेगा। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम। मैं योगिता सिंह, जिला महासचिव। भाई परेशानियां तो बहुत सारी हैं, हम लोगों ने 7 तारीख को दिल्ली में धरना दिया था और पीएमओ ऑफिस पे बुलाया भी गया था और हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही हमारी मांगे जो है सुनी जाएंगी और समझा जाएगा, लेकिन अभी तक जो है सरकार का कोई भी जो है वापसी कुछ नहीं आया है। मैं रायबली से हूँ जी। कहाँ से आई हुई है? मैं उर्मिला राजपूत बुलंदशहर से आई हूँ। तो क्या परेशानी आ रही है, जैसे मांग आपकी जो है अभी तक की पूरी नहीं हुई, क्या परेशानी? अब ये तो सरकार ही जाने उन्हें क्या महसूस हो रहा है, कहने को तो भाजपा प्रबुद्ध जनों की और पढ़े लिखों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस बीच में हमको ये लग रहा है कि जब ये शिक्षकों के हितैषी नहीं है तो कैसी पढ़े लिखों की पार्टी है, और इनको शिक्षकों के विषय में जल्दी ही मानदेय के लिए निर्णय ले लेना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी नुकसान इसको होने वाला है। अपना परिचय देते हुए बताइए कि किस तरह की आपकी बैठक का क्या एजेंडा था और किस वजह से आज की बैठक रखी गई थी, कई बार प्रदर्शन करने के बाद सरकार की तरफ से क्या जवाब? आज की बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश द्विवेदी जी और माननीय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष संजय मिश्रा जी की अगुवाई में पूरे 75 जिले की मुख्यमंत्री निंदा रैली यात्रा निकाली गई, फिर भी ये निरंकुश सरकार सुनी नहीं, उस परिप्रेक्ष्य में रणनीति बनाने के लिए पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी को बुलाया गया और रणनीति बनी कि ये जो आगामी बजट आ रहा है, अगर इस बजट में सरकार ने इन वित्तहीन परिवार शिक्षकों के लिए, इनके सम्मान के लिए, इनके पेट के लिए, इनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए अगर उस बजट में सम्मिलित नहीं किया तो हम 2019 का जो ये चुनाव आ रहा है इनका। कभी ऐसा हुआ अपनी मांग मनवाने के लिए कितने जतन करने पड़े हो किसी सरकार के सामने? नहीं, लोकतंत्र में जी बाल तक त्याग कर जी कभी अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ा किसी सरकार में? नहीं, इस तरह से ये पहली निरंकुश सरकार है और इस सरकार से हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी
खासकर कभी ये सरकार कहती थी कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, राज्य में हमारी सरकार नहीं है। प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में और राज्य में होने के बावजूद 3.5 लाख शिक्षक आज हमारा भूखा प्यासा और सड़क पर है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के बाद पीएमओ ऑफिस से ही बुलावा आता है, क्या बुलावे का कोई आश्वासन अभी तक आया? अभी तक नहीं आया, वहाँ से कहा गया था कि 1 हफ्ते में रिटर्न में आपको सूचना दे दी जाएगी और जो आपका मंत्रिमंडल होगा उसको बुलाया जाएगा और आप के लिए कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। 3.5 लाख शिक्षक हमारा बहुत ही निराशाजनक जीवन जी रहा है। आने वाला समय निश्चित रूप से भाजपा के लिए भारी पड़ेगा। बीके शुक्ला, प्रदेश महासचिव, प्रबंधक महासभा, उत्तर प्रदेश। देखा आपने, ये थे वित्तविहीन शिक्षक जिनका ये कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होंगी, जिस तरह से कई प्रदर्शन कर चुके हैं सरकार के खिलाफ, सरकार ने इनको आश्वासन भी दिया, अभी जंतर मंतर पर भी एक प्रदर्शन किया जिसपे पीएमओ ऑफिस से आश्वासन आया कि जल्दी वार्ता होगी। 10 से 15 दिन बीत चुके लेकिन अभी तक किसी तरह की वार्ता नहीं हुई। उनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को इसका खामियाजा 19 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। तो आपने देखा, वित्तविहीन शिक्षकों के अध्यक्ष उमेश द्विवेदी ने बताया कि पीएमओ ऑफिस से उनको आश्वासन भी मिला था कि बहुत जल्द उनकी वार्ता होगी, लेकिन कोई भी वार्ता ना होने से फिर वित्तविहीन शिक्षक एक बार फिर आक्रोशित हो रहे हैं और इस आक्रोश की सीमा लांघ करके कहीं वो ऐसा कोई काम ना कर दें जिससे सरकार की 2019 के चुनाव में धुलाई हो जाए। वो अपनी बातों में ऐसी ही बातें लेकर के आ रहे हैं कि अगर 2019 के चुनाव में वो कुछ अच्छा चाहते हैं तो हमारी मांगों को मान लें, वरना हम 2019 के चुनाव में ब्लॉक स्तर पर भाजपा को हराने का काम करेंगे। तो ऐसी पल पल की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए।